अब 56 दिनों तक बिना टिकट के ट्रेन से कीजिए सफर, नहीं रोकेगा टीटी। आराम से कीजिए लंबी लंबी यात्राएं, नहीं लगानी पड़ेंगी प्लेटफॉर्म पर लाइन। रेलवे विभाग ने कर दी 56 दिन वाली फाइल पर साइन। हमारे साथ जान लीजिए पूरी बात और उठाइए लाभ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब आपको टिकट नहीं लेनी है। अभी आपके हाथों में जो टिकट है उसी से आप 56 दिन तक सफर कर सकते हैं। आपके कान बिल्कुल भी धोखा नहीं खा रहे, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हैं। दरअसल ऐसा ही होने जा रहा है, अब आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, क्योंकि आपकी एक टिकट अब 56 दिनों तक काम आएगी। ये नया नियम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसका लाभ रेलगाड़ी में सफर करने वाला कोई भी उठा सकता है। आज हम आपको सरकार की इसी नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको भविष्य में बहुत लाभ देने वाली है। दरअसल रेलवे की ओर से सर्कुलर जर्नी टिकट के नाम से एक स्पेशल टिकट जारी किया है, जिसमें सर्कुलर जर्नी टिकट को आधार मानकर 8 अलग अलग स्टेशनों से टिकट किया जा सकता है। कई स्टेशन में चढ़ सकते हैं और दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। वैसे इस टिकट का ज्यादातर उपयोग घूमने के शौक रखने वाले लोग या फिर तीर्थ यात्री द्वारा लंबे समय के लिए किया जा सकता है। और सबसे खास बात, ये सर्कुलर टिकट कोई भी खरीद सकता है, यानी इसमें सभी कैटेगरी शामिल है। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि हम जो टिकट की बात कर रहे हैं वो सर्कुलर जर्नी टिकट क्या होती है। दरअसल इसमें जहां से आप यात्रा शुरू करते हैं वहीं पर यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने उत्तर प्रदेश से यात्रा की शुरुआत की है और आपको नई दिल्ली तक जाना है, तो आप नई दिल्ली से वापस उत्तर प्रदेश के लिए आ सकते हैं। फिलहाल ज्ञात रहे कि सर्कुलर जर्नी टिकट सीधे काउंटर से नहीं खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही अपने ट्रैवल रूट की पूरी जानकारी भी रेल विभाग को साझा करनी होगी। अब आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आप 6 महीने बाद वापस आए तो भी क्या टिकट वैलिड रहेगी? तो इसमें आप इतना समझ लीजिए कि ये टिकट केवल 56 दिनों तक ही वैलिड रहेगी, यानी अगर आप 56 दिन में से एक दिन ज्यादा हो जाता है तो आपको नई टिकट लेनी होगी। वैसे आपको बता दें, ये कोई रेलवे विभाग के द्वारा नई सेवा नहीं बल्कि बहुत पुरानी सेवा है, लेकिन इस टिकट की वैलिडिटी अक्सर यात्रियों की सुविधा अनुसार बढ़ाई जा भी रही है। रेलवे विभाग का ये नियम दूर की यात्रा करने वालों के लिए सरल होगा, उनको बार बार टिकट नहीं लेना पड़ेगी, जिससे उनको समय भी बचेगा। तो वहीं टिकट लेने के लिए लगी लाइन भी कम लंबी होगी, जो अन्य टिकट लेने वालों के लिए काफी आरामदायक होगा। जो लोग 56 दिन वाली टिकट लेंगे उनका बार बार उतरना नहीं होगा, जिससे उनके सामान की सुरक्षा भी बनी रहेगी। रेल विभाग के इस नियम को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर लिखता है कि भारत के कोई भी 8 स्थान चयन कर ले, चाहे वो तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल। कहां से शुरू करोगे, किस रास्ते से जाओगे, कौन कौन से स्थान पर कितने दिन रहोगे और किस रास्ते से लौटोगे, कितनी सीट का पूरे विवरण का ब्यौरा सर्कुलर पास बनवाते समय रेलवे ऑफिस में आवेदन देना पड़ता है। तो वहीं एक अन्य सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि ये टिकट अलग अलग दूरी और अलग अलग समय अवधि के लिए बनाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर की अलग अलग प्रतिक्रिया है। वैसे रेल विभाग के इस नियम को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, हमारे साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।